हेलो एवरीवन, मैं शशि भूषण पांडे। वेलकम टू वर्चुअल ट्यूटोरियल। आइए फिर हम सॉल्व करते हैं ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सम्स। मैदान के बीच से खड़े होकर ये मान लिया ये मैदान है, इसके बीच में मान लें हम ये ए पॉइंट है। यहाँ से खड़े होकर मोहित एक उड़ते हुए पक्षी को पहले उत्तर दिशा में तीस डिग्री उन्नयन कोण पर एवं दो मिनट बाद यहाँ पे मान लीजिए तीस डिग्री उन्नयन कोण पे देखता है एवं दो मिनट बाद दक्षिण दिशा में 60 डिग्री यूनियन कोण पर देखता है। फिर यहाँ से अगर हम देखते हैं ये दक्षिण दिशा में 60 डिग्री यूनियन कोण पर देखता है, पक्षी यदि एक ही सरलरेखा में 50√3 मीटर की ऊंचाई पर, अर्थात ये सरलरेखा है इसमें ये 50√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था, तो उसका वेग किलोमीटर घंटा में हमें ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं ये राइट एंगल मिला हमें और इधर में भी एक राइट एंगल मिला। तो माना कि मोहित ए बिंदु पर खड़े होकर 20 बिंदु पर और दो मिनट बाद दक्षिण दिशा में सी बिंदु पर समकोण त्रिभुज ए ओ बी से ओ बी इक्वल टू एक्स मीटर जो हमने माना, ए ओ इक्वल टू 50√3 मीटर, एंगल ए बी ओ इक्वल टू 30 डिग्री। अगर हम इसकी तुलना दोनों का करते हैं, हम इसे हमने मान लिया है x मीटर, अगर इसकी तुलना करते हैं तो लंब बटा आधार अर्थात टैन 30 डिग्री
tan 30 डिग्री इक्वल टू AO बाई BO इम्प्लाई दैट हमें पता है tan 30 डिग्री 1 बाई रूट 3 होता है इसका मान, AO 50 रूट 3 और BO हमने माना है x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि हम करते हैं तिरछा गुना तो रूट 3 इंटू 50 रूट 3 एक्स इक्वल टू रूट 3 रूट 3 3 इंटू 50 एक्स इक्वल टू 150 मीटर। उना समकोण त्रिभुज AOC से AO इक्वल टू 50 रूट 3 मीटर, OC इक्वल टू y मीटर जो हमने मान लिया इसे हम y मीटर एंगल ACO इक्वल टू 60 डिग्री तुलना अगर करते हैं हम तो फिर लंब बटा आधार tan मिलता है हमें, मीन्स देयरफॉर tan 60 डिग्री इक्वल टू AO बाई OC हमें पता है इसका मान रूट 3 होता है, बाई 1 कर दें हम, AO 50 रूट 3 बाई OC y, हम इसे कैंसिल कर सकते हैं y इक्वल टू 50 मीटर, इसलिए पक्षी द्वारा तय दूरी इक्वल टू BC इक्वल टू OB प्लस OC एक्स प्लस वाई, एक्स का मान अभी अभी आया है 150 और वाई का अभी आया आपका 50 मीटर, यानी 200 मीटर। मीटर को हम किलोमीटर में बदलेंगे तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, अब यह हो जाएगा आपका किलोमीटर, क्योंकि हमें पक्षी का वेग निकालना है जो कि किलोमीटर घंटा में निकालना है, इसलिए अच्छा रहेगा यदि हम इसे पहले ही किलोमीटर में बदल दें। अच्छा, पक्षी को दूरी तय करने में लगा समय दो मिनट, हम इसे भी यदि बदल देते हैं घंटा में तो अच्छा रहेगा, हम जानते हैं एक घंटा में 60 मिनट होता है यानी 2/60, अब यहाँ हो गया घंटा, कैंसिल कर दें 1/30 घंटा, इसलिए पक्षी का वेग बराबर फॉर्मूला होता है आपका दूरी बटा समय, दूरी हो गया आपका 200/1000 बटा है, इसे हम भागा कर दें और भागा करके अगर हम लिख दें 1/30, ये हो गया आपका किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू 200/1000 इंटू 30/1 किलोमीटर घंटा 0000000 यानी 3 2 6
किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। ठीक है, आशा है नोट कर लिए होंगे आप लोग, नहीं तो कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।